भारत के प्राचीन योग विज्ञान में भारत के महान ऋषि मुनि तपस्वी और योगियों ने अपने अनुभव से इस विज्ञान की खोज की थी, जिसे हस्तमुद्रा विज्ञान कहते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सालों से चलती आ रही है। आपको हस्तमुद्रा का विज्ञान जानने के लिए इतिहास में बहुत पीछे नहीं जाना होगा। आपने गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखी होंगी, बहुत से चित्र या फोटोज देखे होंगे। उनकी ज्यादातर प्रतिमाएं आपको ध्यान मुद्रा में बैठी हुई मिलेंगी और उनके हाथ एक विशेष मुद्रा में होते हैं। ऐसे ही महावीर और भी अन्य महान योगी, उन सबका बैठने का ढंग और हाथों की मुद्राएं आपने अलग अलग प्रकार से देखी होंगी। इतना ही नहीं, अगर आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो भारतीय नृत्य में भी बहुत सी मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। एक योगी द्वारा अपने हाथों से बनाई गई इन मुद्राओं का विशेष कारण होता है। हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से ऐसे बहुत सारे शक्ति बिंदु हैं, जिनकी ऊर्जा को हस्तमुद्रा के द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। सामान्यतः आप सात शक्ति बिंदु के बारे में जानते हैं, जिन्हें सात चक्र कहा जाता है। लेकिन ये केवल सात शक्ति बिंदु नहीं है, आपके पूरे शरीर में हर एक अंग पर एक शक्ति बिंदु है, जिन पर बहुत गहरा अध्ययन चाइना और जापान में किया गया है। वो लोग इसे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कहते हैं। शरीर के उस विशेष पॉइंट को उचित प्रेशर में दबाकर वहां से ऊर्जा को रिलीज किया जाता है, जिससे कई बीमारियों का भी इलाज होता है। सभी योग मुद्राएं आपके शरीर को व्यवस्थित करने में सहायक होती हैं, तथा ये आपकी मनोदशा में भी परिवर्तन करती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में तकरीबन 399 मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 8 हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, जो आसानी से समझी और की जा सकती हैं। जब भी आप ध्यान मेडिटेशन करने बैठें, तब आप इन मुद्राओं का इस्तेमाल करके बहुत से शारीरिक और मानसिक लाभ ले सकते हैं। वेदों के अनुसार मुख्यतः 6 आसन मुद्राएं हैं, जैसे वृक्त मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, महामुद्रा, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा और शोभवनी मुद्रा। जगतगुरु रामानंद स्वामी इन 5 मुद्राओं को राजयोग में शामिल करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं: चाचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, भोचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा और उन्योनी मुद्रा शामिल है। इसी प्रकार 8 हस्त मुद्राएं हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा और जलशामक मुद्रा। तो हस्त मुद्राओं के बारे में गहराई से जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हस्त मुद्राएं कैसे काम करती हैं। असल में हमारे शरीर में मौजूद कुछ तत्व संतुलित नहीं होते, और आज ज्यादातर लोगों के 5 तत्व असंतुलित हैं, जिसकी वजह से शरीर में कुछ बीमारियां बन जाती हैं और व्यक्ति एक समस्याओं भरा जीवन जीने लगता है। असल में अगर आपके शरीर में इन तत्वों का डिसबैलेंस होगा तो आपकी मनोस्थिति भी ठीक नहीं होगी। तो ये सभी हस्त मुद्राएं आपके शरीर में 5 तत्व को संतुलित करने का कार्य करती हैं, जिससे आपका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत योग विज्ञान पढ़ा होगा तो शायद आप यह जानते होंगे कि हमारे हाथों की 5 उंगलियों में 5 तत्व मौजूद होते हैं। जैसे आपके अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी उंगली में वायु तत्व, मध्यमा उंगली में आकाश तत्व, अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व, कनिष्का उंगली में जल तत्व। आपकी इन 5 उंगलियों से अलग अलग प्रकार की, या कहूं इन 5 तत्व की अलग अलग ऊर्जा बहती रहती है। इसलिए जब एक साधक योग अनुसार अपनी उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराता है, तब उसे एक हल्के से प्रेशर से आपके शरीर में रुकी हुई ऊर्जा पुनः संतुलित हो जाती है और आपका शरीर व्यवस्थित होने लगता है। चलिए एक एक करके सभी मुद्राओं के बारे में समझते हैं, जिसे करके आप भी अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ज्ञान मुद्रा को। इस मुद्रा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस मुद्रा का अभ्यास केवल उन्हीं साधकों को करना चाहिए जो अपने आप को इस भौतिक जगत से अलग रखना चाहते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान की प्यास है। इस मुद्रा को करने के लिए हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाया जाता है। ज्ञान मुद्रा आपके शरीर में विभिन्न फायदे पहुंचाती है, जैसे कि यह मुद्रा शरीर में वायु तत्व को संतुलित करती है, उसे बढ़ाती है। दूसरा फायदा, यह आपके शरीर में जोश, साहस और रचनात्मक सोच को बढ़ाती है। यह मुद्रा आपके अवचेतन मन के विचार की शक्ति को बढ़ाती है। इस मुद्रा को करने का चौथा फायदा यह है
कैसे आपको आलस से नहीं आएगा? आपके मन में चल रही सभी उलझनों से निपटने की शक्ति मिलेगी। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी मुद्रा की, वायु मुद्रा। इस मुद्रा का उद्देश्य शांति पाने के लिए होता है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परंतु इस मुद्रा में एक बात याद रखना कि आपका अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रहना चाहिए। वायु मुद्रा के भी बहुत से फायदे हैं, जैसे यह आपके शरीर में वायु तत्व को कम करता है, उसे बैलेंस करता है, शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है, आपके शरीर के हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की गति को नियंत्रित करता है। ये मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग गुस्सेल टाइप के होते हैं और जिनकी एकाग्रता कम होती है, उनके लिए यह मुद्रा बहुत फायदेमंद है और इस मुद्रा को भी आप कभी भी कर सकते हैं। तीसरी है आकाश मुद्रा। ये मुद्रा हल्केपन के लिए होती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी मध्यमा उंगली के पोर को अंगूठे से स्पर्श कराया जाता है। आपको इन सभी मुद्राओं को करने से पहले एक बात याद रखनी होगी, अगर आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं तो इन सभी हस्त मुद्राओं के प्रयोग को दिन में 30 मिनट से ज्यादा ना करें। इस मुद्रा के भी कई फायदे हैं, जैसे यह आपके शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है। इस मुद्रा को करने के बाद दिमाग में आने वाले बुरे विचार यानी नेगेटिव थॉट से छुटकारा मिल जाता है। ये मुद्रा आपके भीतर भय, दुख, क्रोध, इन सभी भावनाओं को नियंत्रित करती है। शरीर में मौजूद हर एक प्रकार की अशुद्धियों को डिटॉक्स करती है। यह मुद्रा कब्ज और पाचन संबंधित समस्या वाले लोगों के लिए अधिक लाभकारी है। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। ये मुद्रा दर्द से राहत पाने के लिए होती है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्यमा उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखा जाता है, जिससे अंगूठा उंगली के ऊपर रहता है। याद रहे, अगर इस मुद्रा को करने के दौरान आपको किसी प्रकार की असहजता महसूस हो, दर्द हो, तो इस मुद्रा को ना करें। इस मुद्रा के भी कुछ विशेष फायदे हैं। ये मुद्रा आपके शरीर के अंतरिक्ष तत्व को बैलेंस करती है, आपके सुनने की क्षमता बढ़ाती है, आपकी थकावट कम करती है। पांचवी है पृथ्वी मुद्रा। ये शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए होती है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर, अंगूठे, उंगली दोनों के पोर को आपस में स्पर्श कराया जाता है। ये मुद्रा आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है और अग्नि तत्व को कम करती है, शरीर में नए टिश्यूज की ग्रोथ को बढ़ाती है, मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करती है, थकान से राहत देती है। अगर किसी व्यक्ति की कमजोर हड्डियां हैं और नाखूनों की ग्रोथ नहीं होती तो ये पृथ्वी मुद्रा उनके लिए अधिक फायदेमंद है। ये मुद्रा आपकी पाचन क्रिया और शरीर के तापमान को बैलेंस करती है, ड्राई स्किन की समस्या को दूर करती है और दुबले पतले शरीर वालों के लिए जिन्हें हमेशा छोटे मोटे रोग लगे रहते हैं उनके लिए ये अधिक लाभकारी है। छठी है सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा आपके शरीर के वजन को कम करती है। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी अनामिका उंगली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें। इस मुद्रा को 30 मिनट तक करना है। इस मुद्रा से आपको क्या फायदे होते हैं? ये मुद्रा आपके शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाती है जबकि पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जैसे किसी व्यक्ति को ठंड में बहुत ज़्यादा कपकपी होती है तो इस मुद्रा का प्रयोग करने से उसे राहत मिलती है। जिन लोगों का वजन कम नहीं होता, कब्ज रहती है, भूख नहीं लगती, इस प्रकार की सभी समस्याओं के लिए ये मुद्रा लाभकारी है। कुछ लोगों को पसीना ना निकलने की समस्या, कमजोरी, तो उनको भी ये मुद्रा करनी चाहिए। सातवीं है वरुण मुद्रा। ये शरीर में नमी के लिए होती है, यानी जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है, शरीर में खुश्की रहती है, उन लोगों को वरुण मुद्रा करनी चाहिए। इस मुद्रा को करने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श कराया जाता है। इस मुद्रा के फायदे, ये शरीर में जल तत्व को बढ़ाती है, जोड़ों में दर्द, शरीर में दुर्गंध आना, खाने में स्वाद न लगना, इस प्रकार की समस्या के लिए ये मुद्रा फायदेमंद है। हार्मोन्स की कमी, डिहाइड्रेशन की समस्या, इसमें भी आपको लाभ होता है तथा इससे आपकी पाचन संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आठवीं है जल शामक मुद्रा। ये मुद्रा स्थिरता के लिए होती है। इस मुद्रा को करने का तरीका, आपकी अनामिका उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें,
अंगूठा पूरी तरह से उंगली के ऊपर होना चाहिए। इस मुद्रा के कुछ शारीरिक फायदे, ये शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करता है। ज्यादा पसीना निकलना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, इन सभी समस्याओं के लिए ये मुद्रा कारगर है। कुछ लोगों के हथेली में पसीना आता है, उनके पैर के तलवों में पसीना आता है, ऐसे लोगों को ये मुद्रा करनी चाहिए, इससे उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी ये मुद्रा आपके लिए फायदेमंद है। तो ये थी हमारे प्राचीन युग में बताई गई कुछ मुद्राएं, जिससे आप अपने सामाजिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। आप शारीरिक व मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे।